में 19 जून को नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पद पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 23,336 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करके शहर में छोटी सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसके चलते हमारे सहयोगी से खास बातचीत की अलग अलग लोगों ने और अपनी प्रतिक्रिया दी, आप भी सुनिए। जून को रतिया में नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधान पद व पार्षद पदों के लिए चुनाव होना है। 8 महिला उम्मीदवार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जबकि 43 के करीब पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है और शहर के मुद्दे अनेक हैं। लोगों से मैं बातचीत करता हूं, वो बताएंगे कि शहर के मुद्दे क्या क्या हैं। सुरेंद्र जांगड़ा, ये बताएं जो शहर के मुद्दे हैं, इस बार प्रधान चुनने जा रहे हो आप, चेयरपर्सन चुनने जा रहे हो, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ भ्रष्टाचार का है जी। भ्रष्टाचार में अभी नगर पालिका में आप किसी प्लॉट के लिए एनओसी लेने जाते हो तो वहाँ हजारों रुपया रिश्वत के रूप में देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ सफाई की व्यवस्था, शहर के अंदर जगह जगह कूड़ा, इतने बड़ी मात्रा में कूड़ा यहाँ पे पड़ा होता है, एक एक ट्राली एक एक जगह पे। जो इस बार शहर में मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह का आप चेयरपर्सन चाहते हो? सबसे पहले तो जो चेयरपर्सन हो वो ईमानदार हो, मेहनती हो, कर्मठ हो और लोगों की बात सुनने वाला हो। आज सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो एनओसी के नाम पे आ रही है। एनओसी जहां लेना मुश्किल हो गया है वहां रिश्वत भी फैल रही है। आज नगर पालिका के अंदर कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। बाहर ऐसे कंप्यूटर जड़ लोग बैठे हैं जो रिश्वत के एनओसी के नाम पे एक्स्ट्रा 4-4, 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं और एनओसी दिलवाने के लिए रिश्वत, मोटी रिश्वत ले रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं जी। मेन बाजार के अंदर कोई भी लेडी टॉयलेट नहीं है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट जिसकी वजह से चौकीदार को दिक्कत आती है, रोशनी नहीं है, सीसी कैमरे लगने चाहिए और नहरी पानी वाटर बक्स से जुड़ाव करके सारे शहर को पानी की सप्लाई, जो बीमारियों का घर बना हुआ है घग्गर नदी। अभी आपने सुना कि शहर के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि शहर की क्या क्या समस्याएं हैं। 19 तारीख को 26,336 के करीब जो वोटर हैं वो शहर का प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं और लोगों को उम्मीदें हैं कि जो नया जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो शहर के विकास कार्यों को गति देगा। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। जून को रतिया में नगर